अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नज्जो जुआलोजी। नाउ प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट द मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ वी स्टडी द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डायग्राम एंड मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, तो अभी उसी का ही एक बिट है ये, वहाँ जहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, मेम्ब्रेन में से आयॉन्स बाहर और अंदर कैसे आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयॉन्स कैसे होता है, हम वो देखेंगे। उसमें वेरियस टाइप ऑफ टाइप्स होते हैं। और मैं ये बात बताऊँ कि ये भी बिट है, किसका है, यूनिट है बायो मेम्ब्रेन, उसका एक बिट है ये। और जो बायो मेम्ब्रेन जो चैप्टर है वो सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पेपर में आता है, ऑप्शनल पेपर इन MSc। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी स्टडी देयर इज अ ट्रांसपोर्ट। व्हाट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेयर द आयॉन्स थ्रू द जो चैनल्स होते हैं। अभी ये मेम्ब्रेन में से आयॉन्स पास होना है, मतलब यहाँ पे कुछ तो रहना चाहिए तभी वो पास हो सकते हैं, कोई भी रास्ता होना चाहिए। अभी हमें इधर से उधर नदी पार करना है तो बीच में एक पुल होना चाहिए, ऐसे जो पुल होता है इसे, इस पुल को नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे जाने का जो पैसेज होता है, वहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी वैसे ही चैनल्स होते हैं। तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट इधर से उधर आयॉन का ट्रांसपोर्ट होना, इधर से उधर नथिंग बट एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। नाउ वी स्टडी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट हियर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हियर देर इज अ नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट इज अ फॉलोइंग टाइप। हियर इन पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। लाइक अभी जो फॉल्स होते हैं वाटरफॉल्स, ऊपर से नीचे को पड़ता है विदाउट एनी, उसे एनर्जी नहीं लगती है पानी को ऊपर से नीचे पड़ने के लिए। वैसे ही सेम क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो, सेम टू सेम सेल मेम्ब्रेन में ऊपर से नीचे की तरफ आयॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के साथ होता है। हियर पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट इट इज़ ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो तीन टाइप का होता है, ऑस्मोसिस होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। तो हम इनको बिट बाय बिट डिटेल में देखेंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ द वाटर और आयॉन्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ वाटर और आयॉन्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर। हियर इन डायग्राम सी मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर आयॉन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड बाई लेयर है, यहाँ से लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। देन सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मैंने कहा ना स्नोफॉल की तरह, वाटरफॉल जैसे होता है, सॉरी वाटरफॉल जैसे होता है, वैसे ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है from higher concentration to low concentration along with concentration gradient. Then transport of the molecules through channel proteins, transient gap, membrane protein channels, etc. Where the example of transport, कौन कौन से ions transport होते हैं, like CO2, H2O, these are ions or molecules which are transported through the simple diffusion, where movement of molecules occurs from higher concentration to lower concentration, higher to lower in simple diffusion. Through the protein channels, where the protein channels, which type of protein channels are present, transient gaps, these are the protein channels. Here water and CO2, these are the ions passes from the protein channel or transient gap
ट्रांजिएंट गैप इज नथिंग बट इट इज अ लिपिड बाई लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो गैप होता है ना, ये गैप में से पास होने को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिएंट गैप कहते हैं। तो इट इज अ एग्जाम्पल फॉर सिंपल डिफ्यूजन, इट इज अ एग्जाम्पल फॉर ऑस्मोसिस, डोंट बी कन्फ्यूज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, हियर इट इज अ डायग्राम वेयर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन चैनल्स वेयर वन इज गोइंग देन इट पासिस देन इट लॉक्स हियर ओपनिंग हियर इट्स लॉक्स देन वेन इट इज एंटर्स बोथ साइड इट्स लॉक देन इट इज रिलीजेस। ये डायग्राम में ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा इफ़ यू ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन मैं इसे पहले पढ़ के एक्सप्लेन करूँगी, बाद में समझ में आएगा। मॉलिक्यूल्स आर बाइंड टू द प्रोटीन, प्रोटीन और लिगेंड और कैरियर और चैनल प्रोटीन। इट अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पास द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली एंड चैनल्स आर गेटेड और ओपन और क्लोज। मॉलिक्यूल्स आर बाइंड टू द प्रोटीन लिगेंड और कैरियर चैनल प्रोटीन। इट अलाउ द मॉलिक्यूल टू पास द मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली एंड चैनल्स आर गेटेड ओपन और क्लोज। हियर डायग्राम अब देखो आप समझ में आएगा आपको डायग्राम देखने के बाद। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे चैनल्स हैं प्रोटीन के चैनल्स हैं, फिर क्या होता है सेलेक्टिवली पासिस होते हैं इस सब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पे जो भी होते हैं पूरे नहीं आते हैं इसमें कि सेलेक्टिवली ए चैनल सिर्फ सोडियम को ले सकता है, ए चैनल सिर्फ कैल्शियम को ले सकता है, ए चैनल सिर्फ वाटर को अंदर एंट्री दे सकता है। अभी शादी में अब किसी की शादी है मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है मतलब सब लोग खाने के लिए नहीं जा सकते, जिसके पास शादी का कार्ड होता है इनविटेशन का कुछ तो भी कार्ड होता है जो दिखा के अंदर आना होता है, तो वैसे ही कार्ड जिसके पास होता है वही अंदर जा सकता है, वही गेट खुलेगा तभी जा सकते हैं, बाकी के कोई भी नहीं जा सकता। तो इट्स इज कॉल्ड सेलेक्टिवली, आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल, ओके। तो सेलेक्टिवली जाता है तो इसके स्टेप्स हैं वो देखेंगे हम। स्टेप्स, मॉलिक्यूल कंबाइन विद द प्रोटीन देन कन्फॉर्मेशनल चेंजेस ऑकर्स इन प्रोटीन देन मॉलिक्यूल्स आर पासिस देन मॉलिक्यूल्स आर रिलीज इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड नाउ प्रोटीन्स कम इन ओरिजिनल शेप। हियर लिगैंड इज नथिंग बट हु इज लिगैंड, हियर प्रोटीन्स आर लिगैंड वेयर मॉलिक्यूल इज बाइंड, पहले मॉलिक्यूल बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद में ये एंट्री के लिए डोर ओपन करता है कौन, प्रोटीन, प्रोटीन चैनल डोर ओपन करने के बाद थोड़ा कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है, इधर ओपन होता है तो इधर क्लोज हुआ होता है, तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, चेंजेस होके ये अंदर आता है यहाँ पे, फिर गेट बंद होता है, अंदर आने के बाद में यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ का बंद है तो यहाँ से क्लोज होना शुरू होता है, यहाँ से ओपन होना होता है और यहाँ पे ओपन होके इनसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू इंट्रा सेलुलर स्पेस में ये आने के लिए चैनल दे देता है ऑयंस को, फिर ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग बट फिर एक्टिव इज नथिंग बट कई क्यों बोलते हैं मतलब यहाँ पे ओरिजिनल ये एक्टिव में क्या होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हियर देर इज आयन्स विच आर पासिस और ट्रांसपोर्ट इज पोटेशियम सोडियम क्लोरीन न्यूक्लियोटाइड्स ETC आर अंडरगोज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट हेल्प्स टू मेंटेन डेफिनेट आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल इट इज द एग्जाम्पल वेयर डायग्राम फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेयर आउटसाइड द सेल देर इज अ मॉलिक्यूल विच बाइंड टू इट इज बाइंड टू द लिगैंड लिगैंड इज नथिंग बट हियर द प्रोटीन
It is a protein where it is bind, where there is a conformational changes are occurs in channel, ligand or protein, then release of the ion inside the cell using the ATP. Energy, it is energy using ATP transport to inside the cell, outside to inside. Bulk transport is nothing but large molecules, large amount of substance are transported. It's called bulk transport. Bulk transport occurs through the endocytosis. And exocytosis, where endocytosis occurs through phagocytosis and pinocytosis. Now we study detail about this bulk transport, where large molecules are transported. Exocytosis is nothing but the material or substance move outside the cell is called exocytosis. It also called cell vomiting. Endocytosis is nothing but ingestion. Ningalna. Exocytosis means बाहर cells से molecules को बाहर फेंकना. भी vomiting कैसे होते हैं, cell vomiting होता है यहाँ पे भी. तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस. एंडो मीन्स एंडो, इनसाइड लेना सेल के अंदर, उसे इनसाइड लेने को कहते हैं एंडोसाइटोसिस. उसे इंजेशन भी बोलते हैं. द मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलर टू इनसाइड द सेल, उसे लेने को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. देन फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस नथिंग बट एंगल्फिंग लार्ज पार्टिकल्स इस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. लाइक एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, उसमें अमीबा आता है, देखो फैगोसाइटोसिस एंगल्फ करता है वो डायरेक्ट. पीनोसाइटोसिस मीन्स सेल एंगल्फ सब्सटेंस एंड कवर्ड विथ अ लेयर इस कॉल्ड पीनोसाइटोसिस. हियर देर इज अ डायग्राम फॉर द बल्क ट्रांसपोर्ट, वेयर एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस मीन्स फ्रॉम द सेल गोइंग एक्स्ट्रा सेलर, आउटर जा रहा है, सेल वोमिटिंग हो रहा है. सेल में से जो भी चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल सब्सटेंस हैं, वो जा रहे हैं, उसे एक्स्ट्रा सेलर हो रहा है, तो एक्सोसाइटोसिस कहते हैं इसे. एंडोसाइटोसिस मीन्स लार्ज पार्टिकल्स सब सेल के अंदर इनसाइड आकर वेसिकल्स ऑफ वैक्यूल फॉर्म होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं. लार्ज वैक्यूल जो फॉर्म होते हैं उसे एंगल्फो को फॉर्मेशन होता है, उसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. पिनोसाइटोसिस, here there is a formation of the pinocytosis. Now I summarize all that things what we study. Now we study the transport across the cell membrane, transport across the cell membrane, plasma membrane or biomembrane. Transport across is nothing but where transport of the ions from the plasma membrane from the extracellular to inside the cell, intracellular, intracellular to extracellular. So through the channels, protein channels is called transport. There is a various type of the transport are present: active transport, passive transport, and bulk transport. Mainly three type of the transports are present. Where passive transport. Passive transport are nothing but no energy is required for the transportation, where the movement of the molecules from higher to lower concentration. And it is a passive transport is three types: osmosis, simple diffusion, and facilitated. It is a three types: osmosis, simple diffusion, and facilitated. In osmosis, osmosis is nothing but movement of the water ions through the plasma membrane from the low concentration to high. Simple diffusion. Simple diffusion is nothing but movement of the molecule from the higher concentration to lower concentration, higher to lower. Then through the protein channels, using protein channels like a transport of the water molecule and CO2, and also there is a through the transient gaps present between the lipid bilayer, through that also simple diffusion is occurs. Then facilitated diffusion, it is also called as bulk diffusion, where the transport of the ions is selectively and there is a conformational changes occurs in protein channels and transportation is occurs.
active transport, where active transport is nothing but I would like to give the example like जब भी हम मोटर लगाकर पानी चढ़ाते हैं नीचे से ऊपर को जाता है सेंटेक्स को, वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है वो करंट है और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है वो ATP है. आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल. हाँ ओके. ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, इट रिक्वायर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. There is a transportation of the sodium, calcium, etc. Then here outside the cell, there is a binding of the molecule with the ligand. Ligand is nothing but protein. Proteins, the conformational changes are occurs in protein here. Then it using ATP inside the cell, there is a transport of the molecule and it come to original shape. It is called active transport. Here there is a passive transport. Passive transport means nothing but bulk transport is nothing but here the large molecules, large amount of substance are transported in bulk amount. So bulk amount mein jab transport hota hai, it is a two type, exocytosis and endocytosis. Endocytosis occurs through the phagocytosis and pinocytosis. Exocytosis is nothing but the material substance move outside the cell is called exocytosis. Like here diagram. Here exocytosis, from the inside the cell to outside there is a substance moving from the inside to outside, it's called exocytosis. Endocytosis is two types, phagocytosis and pinocytosis, where from the extracellular to coming inside the cell, so it is called endocytosis. Here a conclusion tha hamara. Now ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बायो मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर ऑफ बायो मेम्ब्रेन, हमें जब हम फर्स्ट सेम में थे, जब मैं MSc फर्स्ट सेम में थी, ये क्वेश्चन फिक्स 6 मार्क्स के लिए आया था. तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इस बार शायद आ सकता है. तो ट्रांसपोर्ट कौन कौन से, हमें इंटरनल में क्वेश्चन हमेशा पूछते थे. तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, तीन टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, ये तीनों लिखना चाहिए और इन डिटेल इसके टाइप्स और इनके बारे में और डायग्राम फिक्स होना चाहिए. फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखना चाहिए, फिर डायग्राम्स के साथ नीटली फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए. होप मेरा मैं जो भी पढ़ाई आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह. इफ़ यू गेट एनी माइन्यूट नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नज्जो जूलॉजी. थैंक यू. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल नज्जो जूलॉजी. प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था और उसके प्रीवियस वीडियो में बायो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन पढ़े थे. नाउ वी स्टडी द मॉडिफिकेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम. एक्चुअली ये भी एक बिट है बायो मेम्ब्रेन यूनिट में. ये यूनिट जो आता है सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑप्शनल पेपर में, ये एक चैप्टर है बायो मेम्ब्रेन, उसमें ये सारे बिट्स हैं. तो मैं बिट्स कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म, ऐसे चैप्टर थोड़ा थोड़ा बिट बाय बिट पढ़ा पढ़ा कर कंप्लीट एक वीडियो बना रही हूँ ताकि सबको ईजी हो, कन्फ्यूज ना हो इसीलिए. तो हम अब चलो स्टडी करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन. जब भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट जब भी करते हैं तब मॉडिफिकेशंस होते हैं. नाउ हियर आल्सो मॉडिफिकेशंस आर ऑकर्स. वो जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. गैप जंक्शंस, मॉडिफिकेशन ऑफ बायो मेम्ब्रेन में हमें सिलेबस कॉपी में गैप जंक्शन दिया है, टाइट जंक्शन दिया है एंड देयर फंक्शंस दिया है और डायग्राम दिया है. ये सिलेबस कॉपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे वीडियोस में, देखें हर सम की सिलेबस कॉपी मैं MSc की अपलोड करी हूँ. उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन में जंक्शंस के बारे में स्टडी करने के लिए कहा है. तो अब हम पहला जो दिया है हमें गैप जंक्शन दिया है. नाउ वी स्टडी गैप जंक्शन. गैप मीन्स दो चीज़ों के बीच में थोड़ा सा गैप भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं. गैप बोलते हैं. The aggregates of intracellular channels that allow the direct cell-to-cell transfer of ions and small molecules. Gap junction is also called nexons.
Here, the aggregate of intracellular channels that allow the direct cell-to-cell transfer of ions and small molecules. फिर direct transport होता है ions cell-to-cell through the ion cell-to-cell direct transport जो होता है उस इन gap junction में होता है. फिर देखो यहाँ पे diagram दिया है यहाँ पे. पहली बात फर्स्ट में ये डायग्राम आपको समझाऊंगी. एक सेल है दोनों के बीच में थोड़ा गैप है यहाँ पे. ये दोनों सेल एक दूसरे को जो बाइंड हैं यहाँ पे देखो ये चैनल है इसके जरिए दोनों एक दूसरे को इसके साथ कांटेक्ट में हैं. तो ये गैप जंक्शन के थ्रू इधर से इधर ए सेल से ए सेल को ट्रांसपोर्ट होता है. उसे क्या बोलते हैं गैप जंक्शन. ये गैप जंक्शन को अब अगर हम डिटेल में देखें ये जो बीच में है नहीं ये जो ये दोनों के बीच में का जो हम यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बढ़ा करे हैं तो यहाँ पे भी गैप है यहाँ पे भी गैप है. ये चैनल्स हैं ये जो डायग्राम है नहीं ये चैनल्स यहाँ पे हैं उसे क्या बोलते हैं हम नेक्सॉन्स बोलते हैं. यहाँ पे है थ्रू इसके जरिए होता है एक सेल वन है या सेल टू है या गैप है ये चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. समझ में आया इस गैप जंक्शन बोलते हैं. इट इज अ अपियर लाइक अ प्लैक्यू लाइक कॉन्टैक्ट अपियर्स एज अ एन्यूल्स एंड रोटेशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लोजिंग चैनल्स मेडिएटेड बाय कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन. ये चैनल्स हैं फूल के जैसे दिख रहा है ना ये ही ट्रांसपोर्ट करते हैं. इट इज अ प्रोटीन चैनल्स हैं वो. फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज अल्टीमेट कम्युनिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन कार्डियक मसल्स एंड वाइडली ऑब्जर्व इन एम्ब्रियोनिक टिश्यू रैपिडली एक्सचेंज ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. थ्रू द गैप जंक्शन हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को उतना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. एंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व हमें गैप जंक्शन कहाँ दिखते हैं मतलब एम्ब्रियोनिक के टिश्यू में दिखते हैं. एंड कम्युनिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स में भी ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसा काम करते हैं. गैप जंक्शंस कंपोज फ्रॉम द टू प्रोटीन्स हेक्सामियर्स कॉल्ड कॉनेक्सॉन एंड इनेक्सॉन. गैप जंक्शंस जो हैं वो टू प्रोटीन से बने हैं. एक का नाम क्या है कॉनेक्सॉन और एक का नाम है इनेक्सॉन. इट अलाउ मॉलिक्यूल्स inorganic ions, sugar, amino acids and vitamins. It allow the passes of the molecules inorganic ions, sugar, amino acids and vitamins को वो pass होने के लिए देता है. Here gap junction के बारे में हम पढ़े